हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन दिस फेवरेट चैनल फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक। फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न एप्रिसिएशन ऑफ 2.5, दैट इज फादर रिटर्निंग होम। फ्रेंड्स, इसके पहले के वीडियो में हमने देखा फिगर्स ऑफ स्पीच, यानी कि हर एक लाइन में कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच है, उसका एक्सप्लेनेशन कैसे लिखना है। टुडे एप्रिसिएशन देखेंगे। फ्रेंड्स, एप्रिसिएशन ये बहुत ही ईजी एंड स्कोर अपलिफ्ट करने वाला क्वेश्चन है। एग्जाम में हमें ये 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है एंड इट इज़ वेरी इजी। 4 out of 4 marks 100% मिलते हैं। बस हमें पता होना चाहिए कि कौन से पॉइंट का एक्सप्लेनेशन लिखते समय क्या क्या पॉइंट्स डिटेल्स हमें लिखने होते हैं। तो चलो देखते हैं फादर रिटर्निंग होम ये पोएम का एप्रिसिएशन। फ्रेंड्स, एप्रिसिएशन में कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं हमें क्वेश्चन पेपर में एंड एक पोएम भी दी जाती है, उसी पोएम के ऊपर हमें एप्रिसिएशन लिखना होता है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें एज पर बोर्ड ने जो रिकमेंड किए हैं वो पॉइंट्स है। सबसे पहला वाला पॉइंट होता है अबाउट पोएम, पोएट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस ऑफ टाइटल, यानी कि टाइटल का क्या इम्पोर्टेंस है ये हमें यहाँ पर बताना होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे 3 पॉइंट पूछे गए अबाउट पोएम, पोएट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल। तो स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, हर एक के 2-2, 3-3 sentence लिखते हैं। अब जब पोएम पोएट के बारे में हम लिखेंगे तो पोएट के बारे में याद रखना है कि सबसे पहले पोएट का नेम, उनका नेशनैलिटी कौन सा है वो लिखेंगे, बिसाइड दिस फेमस वर्क और अवार्ड जो भी उन्हें मिले हैं इसके बारे में हमें यहाँ पे लिखना है। हमारे टेक्स्ट बुक में बहुत सारी डिटेल दी है लेकिन ये सारी डिटेल यहाँ पे नहीं लिखना है। यहाँ पे बस जितना इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बस वही लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, ये जो पोएम है फादर रिटर्निंग होम, ये लिखी है दिलीप चित्रे पोएट ने। अब दिलीप चित्रे, इनकी नेशनैलिटी क्या है, इंडियन है। उनकी स्पेशलिटी क्या है, तो वो एक फेमस बाइलिंगुअल पोएट है। तो ये पॉइंट यहाँ पे हम लिखेंगे, जैसे कि द पोएम इज रिटन बाय फेमस इंडियन बाइलिंगुअल पोएट। अभी यहाँ पे दोनों पॉइंट आ चुके हैं, दिलीप चित्रे यानी कि पोएट का नेम आ गया, उनका नेशनलिटी भी आ गया, उनकी स्पेशलिटी भी यहाँ पे आ चुकी है। अभी उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल है, अगर पोएट को कोई अवार्ड मिला है या फिर उन्होंने कुछ राइटिंग जैसे पोएम्स लिखे होंगे या फिर स्टोरीज लिखे होंगी, बुक्स लिखे होंगे, तो वो 1-2 यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, इट इज़ गुड। ही इज़ वन ऑफ द रिसीवर्स ऑफ द प्रेस्टिजियस साहित्य अकेडमी अवार्ड। अभी इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड, जो लिटरेचर का हाइस्ट ऑनर है, वो इन्हें मिला है। तो ये पॉइंट लिखना बहुत ज़रूरी है, ही इज़ वन ऑफ द रिसीवर ऑफ प्रेस्टिजियस, प्रेस्टिजियस मतलब वेरी हाईली, जिसे क्या कहेंगे हम, बहुत अच्छे वाला साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर हिज वेल नोन ट्रांसलेशन वर्क सेज तुका। सेज तुका ये जो इन्होंने संत तुकाराम की जितने भी अभंग है, स्पिरिचुअल सॉन्ग है, ये सारे के सारे इंग्लिश में ट्रांसलेट किए थे, ये वजह से उन्हें ये अवार्ड मिला था। तो ये थे पोएट के बारे में ये पॉइंट्स लिखेंगे। नेक्स्ट होता है दोस्तों, अभी उन्होंने राइटिंग वर्क क्या क्या किया है। तो ये जो पोएम है फादर रिटर्निंग होम, ये ली गई है ट्रैवलिंग इन अ केज, ये कलेक्शन से ली है। तो ये भी यहाँ पे लिखना ज़रूरी है कि द पोएम रिटर्निंग फ्रॉम होम इज टेकन फ्रॉम ट्रैवलिंग इन अ केज। इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम इन विच द पोएट ड्रॉज अ पिक्चर ऑफ सबर्बन कम्यूटर। अभी पोएम के बारे में शुरू हो गए, यानी कि स्टार्टिंग में हमने क्या किया, पोएट के बारे में लिखा एंड देन वी स्टार्ट टू राइटिंग अबाउट पोएम। अभी पोएम, नाउ दिस पोएम उसके बारे में क्या है, इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम बिकॉज द पोएट शेयर हिज ओन एक्सपीरियंस, है ना। सो इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम इन विच द पोएट ड्रॉज अ पिक्चर ऑफ सबर्बन। सबर्बन का मतलब होता है दोस्तों, जो भी मेन सिटी होती है उसके आजू बाजू में जितने भी एरियाज डेवलप हो जाते हैं वो एरियाज को सबर्बन कहते हैं, ठीक है ना। सबर्बन कम्यूटर, द पोएम डजंट हैव अ मीटर और राइम,
इसकी एक स्पेशलिटी है फादर रिटर्निंग होम की, कि यहाँ पे कोई भी स्कीम नहीं यूज की गई है। इसके लिए ये वर्ड आपको याद रखना है, देर इज नो मीटर और राइम। इसके लिए कहते हैं हम ब्लैंक वर्ड्स या फिर फ्री वर्स। द पोयम इज रिटन इन फ्री वर्स, हम ऐसा भी लिख सकते हैं। द टाइटल इज वेरी सुटेबल। अभी सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल का एक ही सेंटेंस हमेशा लिखना है, वो है द टाइटल इज वेरी सुटेबल। जो भी टाइटल अब पोएट ने दिया है तो सुटेबल ही दिया होता है। तो फ्रेंड्स देखिए कितना इजी है फर्स्ट पॉइंट में लिखना। यहाँ पे तीन पॉइंट पूछे गए थे, हर एक के दो दो तीन तीन लाइन लिखे आराम से, मतलब बहुत अगर हम क्या कहेंगे उसे अच्छे से अगर मेमोराइज कर सकते हैं कौन से इवेंट के बाद क्या लिखना है, तो डेफिनेटली दिखने में ये बहुत लॉन्ग आंसर लगता है, लेकिन यू कैन राइट इट विद इन 5 मिनट्स। बस आपको लिंक करना है कि आफ्टर व्हाट आई हैव टू राइट। नेक्स्ट पॉइंट दिया होता है, चलो देखते हैं, फॉर्म ऑफ द पोएम, थीम एंड इट्स सिग्निफिकेंस। ये पोएम का फॉर्म क्या है, थीम क्या है पोएम की, एंड वो सिग्निफिकेंस यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ थीम क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए, द पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ये पोएम जो है एक मोनोलॉग है। अब ये मोनोलॉग क्या होता है, आपको सभी को पता है कि खुद स्पीकर अपना ओन एक्सपीरियंस शेयर करता है, तो उसे कहते हैं मोनोलॉग। तो ये एक टाइप का मोनोलॉग टाइप का पोएम है, ड्रामेटिक है, थोड़ा सा ड्रामा जैसा बताया यहाँ पे। पिताजी यानी कि फादर कम्स टू होम एंड हाउ ही ट्रीटेड, और आउटसाइड द होम हाउ ही इज ट्रीटेड, तो ये सारा यहाँ पे बताया। द थीम ऑफ द पोएम इज एलियनेशन। अभी यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये पोएम की थीम क्या है। तो फ्रेंड्स फादर रिटर्निंग होम, इसकी थीम है एलियनेशन। अब एलियनेशन का मतलब है सिंपल वर्ड में लोनलीनेस, अकेलापन, जो कि मेट्रोपॉलिटन सिटी में बहुत अभी इमर्ज हो रहा है। सो द थीम ऑफ द पोएम इज एलियनेशन विच इज क्लियरली सीन इन द लाइन। अभी ये एलियनेशन लोनलीनेस ये कौन से लाइन से पता चल जाता है, तो फ्रेंड्स ये लाइन है बहुत इम्पोर्टेंट, मैंस एस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम मैन मेड वर्ल्ड। ये जो लाइन है यहाँ से पता चल जाता है, एस्ट्रेंजमेंट का मतलब होता है एलियनेशन, ये सिनोनिम्स है, या फिर लोनलीनेस, मैंस लोनलीनेस फ्रॉम मैन मेड वर्ल्ड। तो ये लाइन से ये पोएम का थीम हमें पता चल जाता है। दिस वेरी पेनफुल लोनलीनेस इज अ सिंबल ऑफ मैंस आइसोलेशन फ्रॉम मैन मेड वर्ल्ड। अभी ये जो एलियनेशन है, लोनलीनेस है, इंसान ने बनाए जो दुनिया बनाई है उसी से, उसी में इंसान अभी अकेलापन महसूस कर रहा है। तो ये था ये पोएम का थीम, उसका सिग्निफिकेंस एंड फॉर्म ऑफ पोएम। तो देखिए सबसे पहले फॉर्म लिखा हमने, ड्रामेटिक मोनोलॉग है, उसके बाद में थीम है एलियनेशन, आप लोनलीनेस बी वर्ड यूज कर सकते हैं। कहाँ से हमें पता चला कि ये पोएम का थीम लोनलीनेस है, तो एक सेंटेंस है, मैंस एस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम मैन मेड वर्ल्ड, तो उससे हमें पता चल गया। फ्रेंड्स बहुत इजी है, बस आपको क्या करना है, लिंक करना है। नेक्स्ट वाला पॉइंट होता है पोएटिक स्टाइल लैंग्वेज फीचर। अभी यहाँ पर भी देखिए तीन पॉइंट पूछे, पहला है पोएटिक स्टाइल, देन लैंग्वेज फीचर एंड पोएटिक डिवाइसेस। अभी पोएटिक स्टाइल कौन सी यूज़ की गई है वो लिखना है, उसके बाद में लैंग्वेज फीचर यानी कि पोएम की जो लैंग्वेज है उसके बारे में लिखना होता है, एंड पोएटिक डिवाइस जिसमें हमें फिगर्स ऑफ स्पीच का मेंशन करना होता है। तो देखिए द पोएम इज कंपोज इन फ्री वर्स स्टाइल। ये जो पोएम है ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई, देयर इज नो प्रॉपर मीटर और राइम, सो इट इज रिटन इन फ्री वर्स। तो कंपोज करना मतलब रिटर्न करना, सेम है। द पोएम इज कंपोज इन फ्री वर्स स्टाइल, पोएम का स्टाइल लिख दिया, फ्री वर्स स्टाइल हो गया। देन देयर इज नो राइम स्कीम, अभी इसी के बारे में है। द पोएम हैज टू स्टैंजास, अभी पोएम के बारे में लिखा यानी कि उसकी जो लैंग्वेज फीचर है उसके बारे में। द पोएम हैज टू स्टैंजा इन विच, फर्स्ट स्टैंजा में जो है
The first stanza depicts the father's loneliness in society. पहला जो स्टैंडर्ड है, आपने अगर इसका लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज डू वॉच इट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस अप्रिसिएशन वेरी क्लियरली. तो उसमें बताया कि वहाँ पे दो स्टैंडर्ड है. फर्स्ट स्टैंडर्ड डेपिक्स अबाउट द लोनलीनेस इन सोसाइटी. जब वो सोसाइटी में होते हैं, लोकल से ट्रैवलिंग करते हैं, तो वहाँ पे जो लोनलीनेस है, एलियनेशन है, वो यहाँ पे बताया गया. एंड इन सेकेंड स्टैंडर्ड हीज आइसोलेशन इन होम, फादर्स लोनलीनेस इन होम, घर पर आने के बाद. यानी सेकेंड स्टैंडर्ड में किस तरीके का घर के आने के बाद भी वो अकेलापन महसूस करते, तो ये पॉइंट यहाँ पे बताया गया है. अब अलग फीचर है कि यूज़ ऑफ कलर्स. अगर आप पोएम अच्छे से रीड करोगे फ्रेंड्स, तो आपको पता चलेगा कि अलग अलग कलर्स यूज़ किए. ग्रे प्लेटफॉर्म है, येलो लाइट है, या फिर ब्लैक रेनकोट है. तो इससे क्या हुआ कि ये पोएम एक अलग पोएम है और ये एक क्या कहेंगे हम उसका फीचर है. तो ये लिखना बहुत ज़रूरी है. देन स्टैंड फॉर हिज फादर्स कंडीशन एट पर्टिकुलर स्टेज. जैसे कि ग्रे प्लेटफॉर्म ओल्ड एज को इंडिकेट करता है, ये स्टैंड करता है ओल्ड एज को, है ना. द पोएट यूज वेरी सिंपल एंड ईजी लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड. हर एक पोएम को भैया याद रखना, यही लिखना है. लैंग्वेज कैसी है? वेरी ईजी है, सिंपल है, ईजी टू अंडरस्टैंड है. बस याद करके लेना, रट्टा मार लिया तो भी चलेगा, वही सेंटेंस रहेगा. इट इज़ सिम्बॉलिक. ये पोएम जो बहुत सिम्बॉलिक है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टर्म हैं जिसके पीछे पोएट को कुछ अलग कहना है, वो इसलिए ये बहुत सिम्बॉलिक है. द पोएट हैज़ यूज्ड मैनी फिगर्स ऑफ स्पीचेस. यानी कि लास्ट वाला जो पॉइंट है, पोएटिक डिवाइस. पोएटिक डिवाइस में फ्रेंड्स याद रखना, हमेशा हमें दो चार फिगर ऑफ स्पीच के नाम चिपका देने हैं, लेकिन वो फिगर ऑफ स्पीच पोएम में होने चाहिए, ठीक है ना. जैसे कि ये पोएम में देखिए कौन कौन से यूनिक फिगर ऑफ स्पीच है. यहाँ पे स्नेक डकी का यूज़ किया गया है, यहाँ पे ऑनोमेटोपिया है, उसके बाद में यहाँ पे अलिट्रेशन है, रिपीटेशन है, ठीक है ना. तो देखिए सिमिली का भी एक एग्जांपल है यहाँ पे, है ना. स्नेक डकी, ऑनोमेटोपिया, अलिट्रेशन, रिपीटेशन एक्सेट्रा. तो दो चार नाम चिपका देने हैं, बस ख़त्म. ये भी पॉइंट क्लियर हुआ, यहाँ पे क्या लिखना है, कैसे लिखना है. चलो अगला पॉइंट देखते हैं, इंस्पिरेशनल मैसेज एंड वैल्यू. हर एक पोएम से एक मैसेज हमें मिलता है, हर एक की सोच अलग अलग है. हर एक की सोच से, जैसे हम कहते हैं कि पर्सन टू पर्सन वी हैव वेरी डिसीजंस या ओपिनियन, तो इस तरीके से अपने खुद आफ्टर रीडिंग दिस पोएम व्हाट माय मैसेज, विच मैसेज आई गेट, वो हमें लिखना है. द पोएट यूजुलाइज द पैथेटिक कंडीशन ऑफ अर्बन लाइफ. यहाँ पे पोएट ने क्या किया है, वो भी खुद अर्बन एरिया में रहते थे एंड वो उनका खुद का ही एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर किया गया है. वेरी पैथेटिक. पैथेटिक का मतलब होता है दोस्तों पिटीबल. तो ये बहुत ही पिटीबल कंडीशन होती है, तो वो यहाँ पे उन्होंने यूजुअलाइज की है, विच इज इन फैक्ट वेरी क्लोज टू द प्रेजेंट एरा. अगर हम आज की बात करते हैं तो रियलिटी में हम यही देखते हैं कि वी आर इन क्राउड बट वी आर अलोन. ये एक कॉन्ट्रोवर्सी दिखा जाता है, कॉन्ट्राडिक्टरी दिखा जाता है. इट ऑल्सो मेक्स अस अवेयर अबाउट द ओल्ड एज प्रॉब्लम. यहाँ पे एक और पॉइंट को हाईलाइट किया गया है, दैट इज ओल्ड एज पीपल का प्रॉब्लम क्या चल रहा है. देन और इल ट्रीटमेंट गिवन टू देम. उन्हें जो इल ट्रीटमेंट मिलती है सोसाइटी के तरफ से, वो भी यहाँ पे पोएट ने हाईलाइट करने की कोशिश की गई. लास्ट वाला पॉइंट होता है फ्रेंड्स, योर ओपिनियन अबाउट द पोएम. फ्रेंड्स देखिए ये पॉइंट याद से लिखना है, ठीक है ना. अलग स्टैंजा बना के लिखना है, सॉरी अलग पैराग्राफ बना के लिखना है, क्योंकि बस ये पॉइंट को एक मार्क मिलता है. यानी कि चार मार्क में से एक मार्क सिर्फ ये पॉइंट को है, इसलिए ये अच्छे से दिखना चाहिए एग्जामिनर को, सो दैट एक मार्क हमें मिल जाएगा. इसलिए ये पॉइंट लिखना बहुत ज़रूरी है. व्हाट यू थिंक अबाउट पोएम आफ्टर रीडिंग इट. तो क्या है, आफ्टर रीडिंग द पोएम आई फील वेरी सैड. रियल है कि जब हम ये पोएम पढ़ते हैं ना दोस्तों,
तो इफ यू आर टू मच इमोशनल टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम योर चिक्स. क्योंकि ये फैक्ट बताता है यार, द पर्सन हु स्ट्राइव हार्ड इन हिज होल लाइफ, जो इंसान पूरी जिंदगी हार्डवर्क करते रहता है, हु इज ओनली ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली, जो अकेला फैमिली की सारी नीड्स पूरी करता है, एंड अनफॉर्चुनेटली इज इल ट्रीटेड इन हिज डियरेस्ट एंड नियरेस्ट. एट द एंड ऑफ लाइफ उसे जो ट्रीटमेंट दी जाती है, एक यूजलेस पर्सन के जैसा ट्रीट होता है, तो ये बहुत ही सैड फीलिंग हो जाती है. इसीलिए ये फील जब हम रीड करते हैं तो सैड फील करते हैं. द लाइन होम अगेन, अब ये दो लाइन देखिए, सेकेंड स्टैंजा के स्टार्टिंग में ही ये दो लाइन है. ये लाइन बहुत ही क्या कहेंगे हम, इमोशनल बना देते हैं. होम अगेन आई सी हिम ड्रिंकिंग विक टी, ईटिंग अ स्टेल चपाती, रीडिंग अ बुक, मेड मी एक्सट्रीमली इमोशनल. तो ये जो लाइन है, ये रियलिटी कि जो इतनी मेहनत करता है लेकिन उसमें से वो खुद कुछ भी नहीं पा सकता है. तो फ्रेंड्स देखिए, हर एक का ओपिनियन होगा, मे बी यू योर ओपिनियन इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम माय ओपिनियन, है ना. लेकिन आपका भी ओपिनियन सही है, मेरा भी ओपिनियन सही है, ठीक है ना. तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम ये पूरा एप्रिसिएशन लिखते हैं. होप ये एप्रिसिएशन का क्वेश्चन अभी आपका बहुत अच्छे से हो चुका है. यहाँ पे आप कॉन्फिडेंटली 4 out of 4 मार्क्स ले सकते हैं, तो बहुत इजी होता है फ्रेंड्स. तो चलो मिलते हैं अगले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में. नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑफ दिस पोएम, दैट इज़ फादर रिटर्निंग होम. तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.